Good morning, friends. Today I want to teach you about a magnetic field due to current carrying loop, circular loop. इसको हम एक सीधा वायर है, उसको हम मोड़ दिया सर्कल के रूप में, और इस तरह से हमने सेंसी घूम दिया उसको. करेंट इज फ्लोइंग इन दिस वे अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इज क्लियर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट दिस पॉइंट. यहाँ आप देखो करेंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, और इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी. ज्यों ज्यों हम स्क्वायर से दूर जाते हैं इसके सेंटर की तरफ, क्योंकि क्यों क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो दूर होती जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जा रही है. इससे के लूप इसके इस लूप के सेंटर पे जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो सीधी रेखा प्राप्त होती है. अब यहाँ आप देखिए, यहाँ इक्वेशन होता है बी पर म्यू जीरो ज्ञान आई अपान टू पास. अब ये है क्या, ये इक्वेशन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन व्हाइल यू रिमेंबर दिस इक्वेशन यू मे फाइंड एवरीथिंग बिलोंगिंग योर सिलेबस. ये आप देखो, यानी इस नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर आप लेंगे करेंट की डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जुड़ती जाएगी. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है. दूसरी चीज, करेंट की इंटेंसिटी जब हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है. आपको हमने बताया कि जो जो रेडियस जो जो सेंटर के नजदीक जाते हैं आप बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी घटती जाती है. यहां इससे तीन चीजें हमको मिली, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ टर्म्स नंबर टू इंक्रीजिंग विथ करेंट एंड नंबर थ्री डिक्रीजेस विथ आर. ये चीजें आपको मिलती हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ टर्म्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, करेंट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी. जब जब हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब इससे वायर से हम दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी घटती जाएगी. तो ये तीन चीजें हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड. Due to a solenoid.
सोलेनोइड है क्या? सोलेनोइड इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब with several or many several turns of copper wire are insulated. Copper wire wrapped with यह सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जिस पर कॉपर के इंसुलेटेड वायर लिपटे हुए होते हैं। देखो जो सोलेनोइड है ये ठीक उसी तरह इसका बिहेव होता है जैसे आपका बार मैग्नेट विशिष्ट सोलेनोइड। और देखो इसमें अगर हम लोग इस तरह से बनाए ये सोलेनोइड है आपकी यहां से अगर हम करेंट इसमें फ्लो कराएं करेंट आपकी ऐसी फ्लो कर रही है और ये आपकी आई करेंगे आपने यहां देखो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो बिल्कुल पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल अंडर द सोलेनोइड। व्हाई इज इट सो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अंडर द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सोलेनोइड के अंदर पैदल थी। अब इसके बाहर ये देखिए ये साउथ पोल आपका होगा और इधर नॉर्थ पोल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी होगी from north to south यहां से मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे आपकी निकलती हैं इधर की तरफ जाती हैं और यहां से निकलती प्रतीत होती है। सोलेनोइड बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। Under the solenoid, field lines are parallel
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलेगी, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगी इसके अंदर, आप देखिए ऐसे, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब इसमें आप देखो क्लॉक फेस रूल लगाते हैं हम लोग, क्लॉक फेस रूल, इसको हम आपको बताएंगे अगले दिन, लेकिन फिलहाल यहाँ आप जान लो विकिरण की चीजों पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखो बी इक्वल म्यू जीरो एम आई यू का, इसके लिए यू भी यू लिखते हैं म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। इसलिए यहां n बाई l स्मॉल n कह दिया गया, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन करेंट एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कोर मैटेरियल। ये कोर मैटेरियल क्या है? आप देखो, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन हम इंसर्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट इज कोर मैटेरियल। इट इज यूज्ड टू मेक अ रॉड, सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड अंडर सोलेनोइड, इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस। इंटेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ स्टील आर हार्ड आयरन। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, जितना जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतनी तेजी के साथ डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब जो ही सोलेनोइड में करेंट फ्लो कराते हैं फास्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हार्ड आयरन
देरी से मैग्नेटाइज होता है और ज्यादा समय बाद भी मैग्नेटाइज होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जनरली दे आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। फॉर टुडे थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टुमारो वी विल स्पीक अबाउट फेज क्लॉक रूल।